बोधगया प्रखंड की ग्राम पंचायत बारासी चुनाव चिन्ह बैगन छाप व कम संख्या 6 से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे संतोष कुमार ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए रोड शो निकालकर अपने ताकत का एहसास दिलाया। उनके चुनाव प्रचार में सभी वर्ग के लोग, युवा बुजुर्ग शामिल थे। वहीं संतोष कुमार ने दावा किया कि उनके साथ सभी जमात के लोग हैं और उस बार भी वो दूसरी बार अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है और आने वाले 5 साल में वो अपने क्षेत्र में बाकी कामों को पूरा करेंगे। कैसा जन समर्थन मिल रहा है, क्या दावे आपके? दावा है कि ग्राम पंचायत की जनता मेरा साथ है और वादा कर रहे हैं जनता कि चुनाव आपको जीत पक्की है। और हम नहीं बोल रहे, मेरा जनता बोल रहा है कि जो काम किए हैं उसका आपको फल मिल रहा है कि पुनः आप वापस आएगा। जो अधूरा काम है उसका मैं पूरा करने का संकल्प लेता हूं और जनता के हर दुख तकलीफ घड़ी कोरोना काल में बहुत साथ दिए हैं और जनता मेरा साथ है, इसलिए पूरा विश्वास है मेरा जनता पर, ग्राम पंचायत द्वारा की पूरा जनता पर मेरा विश्वास है। आप लोग कैसे उम्मीदवार चाह रहे थे, दोबारा ही आए हैं यादव जी के गाँव में? सर, इनका काम हम लोग ने देखा है, सर हम लोग ने उनका तो काम देखा, बहुत अच्छा तो काम करते हैं गांव के प्रति, तो हम चाहते हैं कि ये इस बार जीते। जी सर, आप लोग उनका समर्थन दे रहे हैं? जी सर। अली गली ने हमारा लहराल में भारी बीमारी सब साफ दिए हैं बेचारा, फिर से उसको हम लोग कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि फिर से खड़ा कर दें कि हम लोग के सुखी मिले कभी। पिछला काम से आपने संतुष्ट है कि आप इनको इस बार भी समर्थन दें? जी हाँ, इनका काम से मैं संतुष्ट हूँ और जो अधूरा काम है वो पूरा करने का इन्होंने वादा किया है, इसलिए हम लोग पूरे जनता इनका साथ दिए हुए हैं। युवा लोग हैं इनके साथ में है, क्या आपको लगता है कि फिर दोबारा मैदान में आए हैं? जी हाँ, ये फिर से आ रहे हैं, इसलिए 5 सालों में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, इसलिए हम लोग जितना भी युवा हैं इनके साथ हैं और जितना भी महिला लोग हैं सब इनके साथ हैं। और इन्होंने जो वादा किए हैं अबर कि जो बचा हुआ काम है वो पूरा करेंगे, जो हम लोग ने 5 साल देखे इनका कार्य, इसलिए बहुत बढ़िया है। देख लीजिए, पूरा सैलाब है, पूरा मतलब पूरा 12 पंचायत का जितना भी जनता है ये हम लोग सब संतोष कुमार यादव जी के साथ हैं। और हम लोग ने इस बार विकल्प लिए हैं कि यही एक विकल्प है, जो मुखिया को जिताएंगे फिर से दोबारा पुनः इनको मुखिया बनाएंगे और इनको दोबारा जिताकर भारी मतों से यहाँ लाएंगे और ये अपने पंचायत में जो काम दिखाएं उसी स्तर से पूरे पंचायत के आदमी पूरा कह रहे हैं कि इस बार फिर से इन्हीं को जिताया जाए ताकि हमारे पंचायत में जो काम दिखाएं, नली का काम, रोड का काम और पूरा ये जो कोरोना काल में इन्होंने साथ दिए हैं हर चीज़ में, छोटा वर्ग बड़ा वर्ग में, समझे, ये गरीबों के साथ भी हैं, अमीरों के साथ भी हैं, सारे के साथ में इन्होंने काम किए हैं, इसलिए हम लोग ने बाहर से आकर जो कि हमारा गांव यही है, 12 पंचायत यही गांव है और हम लोग दूर में रहते हैं, कमाते हैं, इसलिए हम लोग आकर इनको साथ दे रहे हैं ताकि हमारे मुखिया संतोष कुमार यादव जी को जिताएंगे।